बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। क्यों वरणों हक सूरत, अब लो कही ना किन्ना। क्यों वरणों हक सूरत, अब लो कही ना किन्ना। ए जूठी देह क्यों रहे, ए जूठी देह क्यों रहे। सुनते हैं वर्णन, सुनते हैं वर्णन। क्यों वर्णों हक सूरत, अब लो कही ना किन्ना। वर्णन आशिक कर ना सके, और कोई पहुँचे ना आशिक बिन। वर्णन आशिक कर ना सके, और कोई पहुँचे ना आशिक बिन। हक जाहिर क्या हो हक जाहिर क्यों हो वही। देखत ही उड़े तन, क्यों वरणों हक सूरत, अब लो कही ना किन्ना। हक इश्क आग जोरावर, इन में मोमिन बसते। हक इश्क आग जोरावर, इन में मोमिन बसते। आग असल जिनो वातनी, आग असल जिनो वातनी। आठों जाम अलमस्त, क्यों वरणों हक सूरत, अब लो कही ना किन्ना। क्यों वरणों हक सूरत, अब लो कही ना किन्ना। महामत कहे मोमिनों पर, करी हासी हुक्मे। महामत कहे मोमिनों पर, करी हासी हुक्मे। ना तो अरवाहित क्यों रहे, ना तो अरवाहित क्यों रहे। बेशक होए हक से, क्यों वरणों हक सूरत, अब लो कही ना किन्ना। क्यों वरणों हक सूरत, अब लो कही ना किन्ना। ए जूठी देह क्यों रहे, ए जूठी देह क्यों रहे। सुनते हैं वर्णन, सुनते हैं वर्णन। क्यों वरणों
सूरत अब लो कही ना किन्ना, अब लो कही ना किन्ना, अब लो कही ना किन्ना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साजी को हृदय से रचिता सखी का कोटि कोटि विनम्र प्रेम प्रणाम। सुंदर साजी, महामती श्री प्राणा जी प्रणित वाणी के अंदर में श्री इंद्रावती सखी जो कि हक श्री राजी महाराज के स्वरूप का सूरत का वर्णन करती है। श्री सिंगार ग्रंथ के अंतर्गत वे इस बात को कह रही है, जो आशिक आत्मा है वो कभी वर्णन नहीं कर सकती, और जो आशिक आत्मा है ही नहीं वो तो कभी धनी के स्वरूप को दीदार ही नहीं कर सकती, तो भला वर्णन कैसे हो सकता है। धनी श्री प्राणना जी इसी कारण से इस वाणी के अंतर्गत यह कहते हैं कि हे सखियों, हे सुंदर सांत जी, हक की सूरत का वर्णन करना ये ना तो मोमिनों के हाथों में है, ना तो उनके हाथों में है जो आशिक है ही नहीं। बिना आशिकी के कोई पहुंच नहीं सकता, बिना मोमिन के कोई वर्णन कर नहीं सकता, पर मोमिन भी वर्णन कैसे करे, क्योंकि जब वह मोमिन व आशिक आत्मा श्री राजी महाराज के स्वरूप को निहारती है तो उसी में इस प्रकार से निमग्न हो जाती है और प्रोत हो जाती है कि वर्णन करने के लिए उसके पास शब्द ही नहीं बचते हैं। ऐसे में धनी श्री राजी महाराज के स्वरूप का वर्णन हो तो कैसे हो। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं इसी कारण से कि अगर अब धनी के स्वरूप का वर्णन होना है इस संसार के बीच में, तो धनी श्री राजी महाराज के हुकुम के बिना कदापि नहीं हो सकता। हुकुम ही ये कार्य करा सकता है मोमिनों के द्वारा, आशिकों के द्वारा, आशिक रूह को अपना माध्यम बना करके। बिना धनी जी के हुकुम वर्णन कदापि नहीं हो पाएगा। और इन आत्माओं के विषय श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के अंदर उस सूर्य के ताप की गर्मी को सहन करने वाले जंतु होते हैं, अगर पृथ्वी का कोई भी जंतु वहां जाने की चेष्टा करेगा तो पास भी नहीं जा पाएगा, उससे पहले ही जल जाएगा। तो सूर्य तक पहुंचने की तो बात ही दूर है, मगर जो सूर्य के अंदर ही जीवित रहने वाले जंतु हैं उनको सूर्य तक पहुंचने में दुर्लभ नहीं है। और ठीक इसी प्रकार से हक श्री राजी महाराज के ईशक के अंदर हर हमेशा रहने वाली रूहें, उनको उस नूर तजल्ला के अंदर पहुंचने के लिए कोई विशेष प्रयोजन करना नहीं पड़ेगा, सुलभ है, क्योंकि वे स्वयं हक के इश्क के अंदर ही जीवित रहने वाली सखियां हैं। बल्कि उन्हें अगर उस इश्क से जुदा कर दिया जाए तब उनके लिए कसौटी होगी, तब उनके लिए परीक्षा होगी। अगर ऐसा ही है तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि क्यों ये रूहें इश्क आने के बाद भी यहाँ इस तन के अंदर में रही, क्यों पहचान करने के बाद भी अपने इस तन को परित्याग करके धनी से ना मिल सकी। इसके लिए भी कहते हैं, ना तो अर्वाहित क्यों रहे, बेशक होए हक से। जो रूहें धनी के विषय बेशक इलम से बेशक हो चुकी हैं, निसंदेह हो चुकी हैं, वो यहां बैठी रहे ऐसा कैसे हो सकता है। किंतु श्री प्राणनाथ जी कहते हैं यही तो अनुभव दिलाना है,
बेशकी का। बेशक होने के बाद कोई रूह शरीर में रह नहीं सकती, परंतु धनी का हुक्म नामुमकिन को मुमकिन बनाकर सखियों को झूठे तन के अंदर रख रहा है, जीवित रख रहा है, और तब तक रखेगा जब तक पूर्ण बेशकी उन रूहों के अंदर में आ नहीं जाती। करी हासी हुक्मे, हुक्म ने रूहों के ऊपर हासी करने का यही प्रयोजन जो किया है कि जागने के बाद, बेशक होने के बाद भी वे तन को छोड़ करके धनी से मिलन नहीं कर पा रही है। इस प्रकार से ये बेशकी का अनुभव श्री राज जी ने हमें यहाँ पर कराया है। सुंदर साज जी, इसी बेशकी के प्रकरण के ऊपर हम आप चर्चा कर रहे हैं खिलवत वाणी के अंतर्गत से। तो आइए आज के दिन की वाणी चर्चा मजल का शुभारंभ करें श्री राज श्यामा जी के पावन चरणारविंद में प्रार्थना करते हुए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागो दो चरण को धनिये न छुड़ायो क्षिणा, लाख तली लाल मेरे जीव की जीवन, मेरे जीव के जीवन, इन पाँव तले पड़े रहो धनी नजर खोलो बातू ना, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमादरणीय गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री दीनदयाल जी गुरु जी के पावन चरण कमल में अखंड दंडवत प्रेम प्रणाम के साथ सभी सुंदर साज जी को भाव भरा प्रेम भरा प्रणाम। आइए सुंदर साज जी आज की मजल का शुभारंभ करते हैं। सकना आजूज माजूज की आड़ी अष्ट धात दीवाल, लिखिया टूटेगी आखर ए बेसक दुनी के काल, ए बेसक दुनी के काल। रूह अल्लाह सब रूहन को पाक कर देवे यकीन, रूह अल्लाह श्री सतगुरु स्वरूप सब रूहन को इन तमाम 12,000 ब्रह्म आत्माओं के ऊपर इन रूहों को बेशक निसंदेह बनाने के लिए ही तारतम्य ज्ञान बेशक इलम इसको प्रदान कर रहे हैं। हमने पहले भी इसे श्रवण किया है कि रूह अल्लाह का हृदय है, जिस हृदय से अद्वैत का जल तारतम ज्ञान रूपी जल बरस रहा है, इन रूहों के ऊपर में बरस रहा है जिनके अंदर श्री परम धाम का अंकुर है, बीज है। जब तक बीज और इस जल का समन्वय नहीं हो जाता, मिलाप नहीं हो जाता, तब तक वह बीज प्रस्फुटित नहीं हो सकता। अर्थात उन
सखियों के अंदर परमधाम का बीज तो है, मगर सतगुरु के ज्ञान रूपी जल का जब तक उनसे मिलाप नहीं होता, तब तक वो अंकुर अंदर के अंदर रह जाता है, खिल करके प्रस्फुटित होकर के नहीं आता है। इसीलिए हमें चाहिए पाक कर देवे यकीन कि सतगुरु का सानिध्य हमको प्राप्त होवे, जिस सानिध्य के माध्यम से श्री सतगुरु का तारतम ज्ञान रूपी जल हमें पूरी तरह से पाक बना दे, निर्मल कर दे। स्वच्छ होना अलग बात है, निर्मल होना अंतस्करण से निर्मल होना होता है, और स्वच्छ होना वो बाह्य शरीर से स्वच्छ होना होता है। हम जितना महत्व अपने शरीर को बाह्य रूप से खिला हुआ, स्वच्छ और सुंदर रखने को देते हैं, उससे भी कई गुना महत्व इस अंतकरण के शुद्धिकरण का है। बाह्य शरीर तो फिर भी उम्र के साथ और कई अन्य वजहों के कारण से ढलने लग जाता है, मगर अंदर का जो अंतस्करण है उसे अगर हम चाहें तो दिन प्रतिदिन अपने जीवन के अंतिम पर्यंत सुंदराति सुंदर बना सकते हैं। इसी प्रकार से सभी के चित्त अंतस्करण को शुद्ध बनाने के लिए, पाक करने के लिए देवे यकीन श्री सतगुरु स्वरूप रूह अल्लाह हम सभी को यकीन दिला रहे हैं, विश्वास करा रहे हैं। कैसे? हमारी रूह को बेशक बना करके, निसंदेह बना करके, बिना विश्वास के न स्वर्ग है और न नरक है। सिर्फ विश्वास के आधार पर हम ये देख पाते हैं कि 14 लोक का पसारा किया हुआ है, इससे परे नारायणी सृष्टि संपूर्ण का विस्तार किया हुआ है। जिस बेहद और अक्षर ब्रह्म की बातें हम करते हैं शास्त्रों के माध्यम से, ये भी तो विश्वास के आधारभूत ही है। अगर विश्वास न हो तो कोई भी स्थान नहीं है, सिर्फ वर्तमान काल के अंदर ही हम जिया करते हैं। सतगुरु का कार्य ये है कि हमारी रूह को विश्वास कराएं। कैसे कराते हैं? इलम लुदन्नी के द्वारा, धनी जी के इन कौल वचनों के द्वारा। क्योंकि ब्रह्म आत्माओं की जो रूह है, धनी के प्रदान किए हुए वचनों के बिना कभी भी उसके अंदर संतुष्टि नहीं होगी, तृप्ति का अनुभव नहीं होगा। अन्य लाखों शास्त्र प्रमाण उसके सामने रख दिए जाएं, कई चर्चा कई वार्ता उसके सामने कर दी जाए, मगर धनी के इलम रूपी वचन उसके लिए ब्रह्म बाण है। इस ब्रह्म बाण के अतिरिक्त मोमिनों के हृदय को कोई घायल नहीं कर सकता, कोई अपना बना नहीं सकता। मोमिनों की तो एह सनंद, ये मोमिनों का प्रकार है कि उनके हृदय को ये ब्रह्मवाणी चोट पहुंचाएगी, पहुंचाएगी, अवश्य पहुंचाएगी। बिना मोमिन के इस वाणी का भार भी कोई उठा नहीं सकते हैं, इस वाणी के वचनों की चोट भी लग नहीं पाती है। कुफर दज्जाल को तोड़ के रूह अल्लाह का आगमन एक बहुत ही स्पेशल मोटिव से है। जो रूह अल्लाह के बिना, श्री सतगुरु के बिना कोई कर ही नहीं सकता। यहाँ के चाहे जितने नामी अवतारी तीर्थंकर पैगंबर पुरुष ही क्यों ना हुए हो, बड़े में बड़े जानकार विद्वान विद्वत जन क्यों ना हो, लेकिन श्री सतगुरु के इस स्पेशल मोटिव, इस विशेष कारण के मुकाबले कोई भी आ नहीं सकता है। श्री सतगुरु का आना इसीलिए हुआ, कुफर दज्जाल को तोड़ के। ये कुफर या
दज्जाल को तोड़ने के लिए आए हैं। इसीलिए कहा गया कि श्री सतगुरु स्वरूप बुद्ध अवतार हैं। इन बुद्ध अवतार के हाथों में 12 हाथ लंबी तलवार कही गई है। हम जानते हैं कि तारतम महामंत्र 6 चौपाइयों के अंदर में बताया गया है। इस प्रकट महामंत्र के 6 चौपाइयों को अगर हम उसके लाइन के हिसाब से गिनते हैं, वाक्यों के हिसाब से गिनते हैं, तो 12 लाइन्स बनती हैं। और इसीलिए कहा गया कि 12 हाथ लंबी तलवार ईसा रुअल्लाह के हाथों में है, बुद्ध अवतार के हाथों में है। इस तारतम ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा ये सतगुरु क्या करते हैं, हमारे अंदर के कुफर को भान देते हैं। कुफर बेईमानी है, मुनकरी को कुफर कहा है। जब धनी श्री राजी का लक्ष्य सामने हो और हम उसमें ईमान लेकर ना चले, हम अपने धनी के साथ मिलन करने के लिए कोई प्रयास न करें, उनकी बात को श्रवण करने के लिए कान न धरें, तो ये बेईमानी तो है। ऐसे कुफर को उड़ाने के लिए, हटाने के लिए, सखियों के मन को एकाग्र चित्त बनाने के लिए कहाँ बनाना है एकाग्र? इलम में। तो सखियों के दिल चित्त धनी की वाणी को श्रवण करना चाहे, वाणी के अतिरिक्त हम जो नफस के सुख लेना चाहते हैं, इंद्रियों के सुख लेना चाहते हैं, when we want to experience the senses pleasures, ये सारी बातों को हटा करके रूह अल्लाह उनके मन को एकाग्र चित्त करना चाहते हैं वाणी रूपी धन में, वाणी श्रवण में, वाणी मनन में। ये है सतगुरु का रियल स्पेशल पर्पस। बिना सतगुरु के, बिना उनकी वाणी के मोमिनों को इसमें कोई एकाग्र नहीं कर सकते हैं। दज्जाल को तोड़ के, जो कुफर है, जो बेईमानी है, वो तो एक गुण हुआ, परंतु ये गुण किसका गुण है? ये गुण दज्जाल का गुण है, ये गुण माया का गुण है। जहां माया है वहां पहचान लेना कि कुफर है, जहां कुफर है, जहां बेईमानी है, वहां माया है। जैसे कि बर्फ और उसकी ठंडक साथ साथ चलते हैं, बर्फ होगा तो ठंडक भी महसूस होगी, और ठंडक है तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं या देख लेते हैं कि बर्फ भी है। ऐसे ही जहां माया है वहां कुफर है, बेईमानी है, धनी के प्रति, धनी की जिक्र करने के प्रति निष्ठा न होना, ये ही माया है। श्री सतगुरु के तारतम ज्ञान रूपी तलवार ने, जो के 12 हाथ लंबी तलवार कही गई, इसने सखियों के अंदर के कुफर को, दुचिताई को, जो उनके अंदर के रॉन्ग नोशंस हैं, बेईमानी है, इन सब को उड़ा करके रख दिया। बेशक करे एक दिन, सतगुरु का लक्ष्य तो देखिए, सतगुरु का जो विजन है वो इतना बड़ा और इतना विशाल है जितना उनका तारतम ज्ञान विशाल है। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि तारतम के अनंत लोचन है, तारतम हैज काउंटलेस विजन्स, इसी प्रकार श्री सतगुरु स्वरूप का जो लक्ष्य है वह लक्ष्य भी इतना ही ऊंचा लक्ष्य है। और लक्ष्य क्या है? सबको एक दीन करना, एक धर्म करना। एक धर्म का सूत्रपात कर रहे हैं वे, और वह
ऐसे ही होगा कि जो रूहें इलम का रसपान करती हैं, बेशक होती हैं, वे ही श्री सतगुरु के चरण कमल में आएंगे, एक दिन एक धर्म के तले आएंगे। तरह तरह के अलग अलग डिजाइन्स के जो मोती हैं, रंग बिरंगे छोटे बड़े विभिन्न वैरायटी के जो मोती हैं, इन सबको पिरो कर एक माला बना रहे हैं सतगुरु। इसलिए जब हम सुंदर साथ कहते हैं तो हम न उनकी जाति पाति पूछेंगे, न तो वो किस प्रांत से किस देश से आए हैं ये मायने रखेगा, क्योंकि सुंदर साथ कहने पर तारतम के तले एक छत में सभी आ चुके हैं। इस प्रकार से श्री सतगुरु स्वरूप का जो महान विजन है, अत्यंत उत्तम उनका दृष्टिकोण है कि रूहों को इलम से बेशक बना करके एक धर्म तले उनको लाना है, 14 लोक के अंदर इस धर्म को पसराना है। लाया ईसा वास्ते मोमिनो बेशक बका न्यामत। श्री इंद्रावती आत्मा कहती हैं, ये ईसा हैं, सतगुरु हैं, श्यामा महारानी हैं, ये प्रेम का स्वरूप है, आनंद घन है, अलाहदनी शक्ति है। ऐसी श्री श्यामा जी महारानी मोमिनों के वास्ते आई, बार बार हर रोज इस बात को याद कराया जाता है। खाना रोज ही खाते हैं ना, जो भी दिनचर्या की क्रियाएं हैं ये भी रोज ही करनी पड़ती है, स्नान की क्रिया भी रोज ही करनी पड़ती है, दिन में भी कई बार करनी पड़ती है, क्योंकि अगर शरीर शुद्ध न रहा तो उसके आगे जो अन्य कर्म हमें करने आचरण के, उसे भी कैसे करेंगे। इसी प्रकार से अंतस्करण की शुद्धि के लिए और बार बार इस बात को एम्फसाइज किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हे सखियों, रू अल्लाह का आगमन क्यों हुआ, इस विषय निशंक हो जाइए। रू अल्लाह का आगमन, सतगुरु का आगमन अपनी रूहों के लिए हुआ है। बेशक बका न्यामत, रूह अल्लाह वे हैं जिनके हाथों से श्री राजी महाराज ने अखंड बक्का परम धाम की न्यामतों को, धन को, ट्रेजर्स को यहां भेज दिया है। जो रूह अल्लाह का संग करेंगे वो उन न्यामतों को पाएंगे, जो उनकी पहचान नहीं करेंगे वो माया की न्यामतों को पाएंगे। अब जो धाम की सखियां हैं, जो श्यामा जी के अंग कही गई हैं, ये सखियां भला क्यों अपनी न्यामतों को छोड़ना चाहेंगी। श्री सतगुरु ने परम धाम की भूमिका से सबसे बड़ी न्यामत, धनी श्री राज्य के प्रतिनिधि स्वरूप तारतम महामंत्र को उतार दिया है। इसी तारतम महामंत्र के जरिए धनी श्री राजी महाराज के सुंदर चरण कमल को अपने चित्त में धारण जब हम करते हैं, इन्हीं चरणों के साथ सारी परमधाम की न्यामतें दिल में उतर आती हैं, 25 पक्ष दिल में उतर आते हैं, धनी जी का संपूर्ण स्वरूप, धनी जी के अष्ट प्रहर की लीला, धनी जी का सच्चिद आनंद, ये सब कुछ हमारी रूह के अंदर उतर आता है जब धनी के चरण कमल को हृदय में धारण कर लें। इसीलिए चरण कमल ही वह आश्रय है जहां से सारी न्यामतों का खजाना खुल जाता है। जितना इन चरण से चित्त को लगा लेते हैं हम, उतना ही परम धाम की न्यामतें दिल में आ बसती हैं, दिल अरश रूप हो जाता है मोमिनों का। तो इस प्रकार से हमें माध्यम को समझना है, ये बार बार रू अल्लाह ने लाया ये कहने की आवश्यकता क्यों है।
सखियों को बेशक बनाने के लिए, सखियों को इस विषय में निशंक कर देने के लिए कि रू अल्लाह ही वह साधन है, सदगुरु ही वह माध्यम है कि जिनके द्वारा आपको अखंड वक्ता की न्यामते मिलने वाली हैं। करें हक जात पर सेजदा, जिन मोमिनों ने सतगुरु के द्वारा प्रदत्त इन न्यामतों को पा लिया, अपना बना लिया, ग्रहण कर लिया, ये हक जात, ये ब्रह्म आत्माओं को सभी सेजदा बजाएंगे, सभी उनके चरणों के ऊपर कुर्बान होना चाहेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल ब्रह्म प्रियाणाम सानिध्यम ददाति एव न संशयः। परम धाम से न्यामत आई कैसे? श्री राजी देते हैं रुल्ला को, सतगुरु को, सतगुरु मोमिनों को देते हैं, मोमिनों के द्वारा दुनिया को प्राप्त होती है। तो मोमिन जिन्होंने सतगुरु के हृदय से इन न्यामतों को अपना बनाया, इन मोमिनों के चरण कमल में दुनिया भी सजदा बजाएंगे। कहाँ जाएंगे? क्योंकि उन्हें सतगुरु के चरणों तक आने के लिए मोमिन ही जरिया है, मोमिन ही माध्यम है, मोमिन ही ब्रह्म आत्माएं ही अपनी लीला को जाहिर कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। जब मोमिन, जब ब्रह्म आत्माएं स्वलीला को आत्मसात करते हुए अन्य को प्रदान करेंगे, तब अन्य सब कोई जो दुनिया के लोग हैं, ये इन हक जात, इन मोमिनों के चरणों के ऊपर कुर्बान होंगे, निछावर होंगे। क्यों? ब्रह्म धाम की ब्रह्म लीला को इन्होंने हमारे सामने खुलस्त कर दिया। इमाम मोमिना इमामत, खुदा स्वरूप इमाम महामति श्री प्राणनाथ जी हक्की स्वरूप, पंच शक्ति युक्त महामति श्री प्राणनाथ जी ही वो स्वरूप है मोमिना इमामत, जो मोमिनों के ऊपर सिखापन दे रहे हैं। हु इज एडवाइजिंग काउंसलिंग द ब्रह्म सृष्टिज। उनके बिना मोमिनों को कोई भी जागृत नहीं कर सकता, क्योंकि मोमिन जागृत होंगे तो अपने धाम के ज्ञान से, धाम के प्रेम से जागृत होंगे। बिना श्रीराज जी के ये सब उन्हें कौन देगा? सतगुरु के माध्यम से श्री राज जी ही दे रहे हैं। तो इस प्रकार से मोमिनों के ऊपर श्री राज जी महाराज की इमामत, यानी कि उनकी जो सिखापन है, वो सब की वर्षा यहाँ दुनिया के बीच में हो रही है। मोमिन इस रस को पहले पान करते हैं, अपना बनाते हैं। जब दिल के भीतर उसका सिंचन कर लिया मोमिनों ने, तब जाकर कहीं वो अन्य को भी बता सकते हैं। जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करें। तारतम मिलना मात्र नहीं, पहुंचना। जब तारतम ज्ञान रूह की गहराइयों में पहुंच जाता है, जब स्वयं की रूह इसको पूरी तरह एक्सेप्ट कर सकती है, स्वीकार कर सकती है, अंदर से आत्म साक्षी देती है, तब जाकर कहीं ये रूह अन्य दुनिया के बीच में इस ज्ञान को परोसते हुए सोई प्रकाश करे, वह रूह इस ज्ञान का प्रकाश सर्वत्र फैला सकती है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार एक दीपक है, उसमें से अनंत दीपक को हम जला सकते हैं, एक से दूसरा जलता है, दूसरे से तीसरा, इस क्रम से जाइए, अनंत दीपक को हम प्रकट कर सकते हैं, प्रज्वलित किया जा सकता है। वैसे ही एक जागृत आत्मा कई अन्य आत्माओं को जगा सकती है,
वो एक होकर किसी एक को जगाए तो वह एक दूसरी एक को, वह एक फिर एक एक और को। इस तरह से जब ये क्रम जाता है तो हे साथ जी, यही तो है कि मैंने भूला तो आपने जगाया और आप भूले तो मैंने जगाया। इसी वचन का पालन सखियां आपस्त में करती हैं। सकना किसी अरस की, सकना नूर मकान, सकना बेचुन बेचगुन, सकना चार आसमान। श्री प्राणना जी एक ही चौपाई के अंदर में सारे विराट के नक्शे को खड़ा कर देते हैं। चारों आसमान के विषय में शंका नहीं है इन मोमिनों के अंदर। अर्थात हमने इस बात को पहले भी श्रवण किया है, लेट अस रिकैपिचुलेट। सबसे पहले मृत्युलोक यानी नासुत को पहला आसमान कहा, जिस आसमान को जाहिरी रूप से हम यहां देखते हैं। ये आसमान इतना बड़ा है कि शास्त्रों के अंदर इसको विभू परमात्मा की संज्ञा दी गई है। इससे परे जाएंगे तो आता है दूसरा आसमान सतलोक वैकुंठ का, इससे भी परे नूर का जबरूत रूपी आसमान आता है, और इससे भी परे जाएंगे तब चौथा आसमान, जिस आसमान की चर्चा हम कर रहे हैं अर्थात लाहुत श्री परम धाम अक्षरातीत की भूमिका। इन चारों आसमानों का वर्णन किया गया है। चौथे आसमान से रुल्ला का पदार्पण हुआ, चौथे आसमान से सखियों का आगमन हुआ, और उसी चौथे आसमान में हमने पहुंचना है। इसीलिए अगर हम चारों आसमान के विषय में निशंक नहीं होते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा लक्ष्य कौन सा है। इलम ने इस बात को स्पष्ट कर दिया किससे परे कौन सा आसमान है। हाउ डू वी हैव टू ट्रांसेंड द वेरियस लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ये बात को इलम समझा रहा है। और इलम ने चारों आसमानों का स्पष्टीकरण करने के बाद हमारी रूह का लक्ष्य फिक्स कर दिया, निश्चित कर दिया कि चौथे आसमान में आपका लक्ष्य है। न हमें पहले में रुकना है, न दूसरे न तीसरे तक जाकर रुकना है, चौथे आसमान तक पहुंचना है। सकन किसी अरस की, अब याद यहां पर करते हैं, यहां कई अरस बनते गए। अरस कहने का तात्पर्य है लक्ष्य, ठौर, जगह। किसी न किसी देवी देवता का धाम तो बीच में बनता ही गया। किसी के मत से स्वर्ग ही अरस है, तो किसी के मत से वैकुंठ ही उनका अरस है। हमारा अरस तो चौथा आसमान है, मगर यहां पर मृत्युलोक से लेकर परम धाम तक जितने अरस बीच बीच में बनते गए हैं, इन अरसों की गिनती क्या, हिसाब क्या। श्री प्राणना जी कहते हैं कि ये तरह तरह के जो अरस बनाए गए हैं बीच बीच में, इन सबके विषय का विवेचन इलम करके बता रहा है। इसी इलम के तहत सखियों के अंदर ये गूढ़ समझ आ जाएगी, मैं बैठी हूं मृत्युलोक में, इससे परे इतने 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 अरस आ चुके हैं, ये सारे अरस को पार करने के बाद मेरी आत्म का लक्ष्य अरस अजीम है, सर्वोत्तम परम धाम है, द सुप्रामेंटल, वहां मुझे पहुंचना है, द सुप्रीम अबोर्ड, वहां मुझको जाना है। जब इस विषय में निशंक हो जाते हैं तब ही तो अपने लक्ष्य की साधना करेंगे। अगर निशंक ही नहीं है तो कैसे अपने लक्ष्य की साधना करेंगे। यहां से कहीं हमको जाना भी हुआ तो टिकट कहां का बनवाएंगे अगर लक्ष्य निश्चित नहीं है तो।
और जो टिकट नहीं बनवाया तो भटकते रहेंगे, ढूंढते रह जाएंगे। इसीलिए लक्ष्य को निश्चित करा दिया इलम ने, किसी भी अरस को लेकर, किसी भी ठौर को लेकर किसी तरह की शंका नहीं रहने दी मोमिनों के अंदर में। सकना नूर मकान, नूर अक्षर ब्रह्म का मकान, घर है उनका अक्षरधाम जबरूत। इस नूर मकान के अंदर कौन रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस प्रकार की लीला करते हैं, वे श्री राजी के साथ कैसा संबंध रखते हैं, उनके बाल लीला के अंदर ऐसे ऐसे कई खेल किस प्रकार बनते मिटते रहते हैं, ये तमाम विषयों के ऊपर, नूर मकान में किनको जाना है इस विषय के ऊपर इलम ने बेशक कर दिया। जो अक्षर ब्रह्म के संबंधी ईश्वरी सृष्टि है वे नूर मकान को जाएंगे। जबराइल असराफिल उनकी शक्तियां हैं, वे जाएंगे, लेकिन उनके अतिरिक्त अन्य किसी का वठोर नहीं है। रूहों को तो उससे भी परे जाना है अक्षरातीत धाम के अंदर। सकना बेचुन बेचगुन, बेचुन निराकार फॉर्मलेस को कहा है, जिसका कोई आकार नहीं है। बेचगुन क्वालिटीलेस, जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, निर्गुण उसको कहा है। संसार के अंदर विशेष रूप से दो मत बने हुए हैं, साकार का निराकार का, द फॉर्मफुल एंड द फॉर्मलेस। साकार निराकार का जो झगड़ा है, विवाद है, इसको लेकर सारी दुनिया के बीच में उलझन है। बेशक इलम रूहों को बेचुन बेचगुन निर्गुण निराकार के विषय में निशंक बना देता है कि ये क्या है, किस प्रकार से विराट के नक्शे के ऊपर अगर हम इसको समझना चाहें तो ये स्थान महतत्व निराकार के रूप में आया हुआ है। ये किसके आधारभूत है, कब तक रहेगा, ये किसको आधार दे रहा है, ये तमाम विषय तारतम वाणी इलम के अंदर में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से अब सखियों के मन के अंदर न तो साकार को लेकर संशय रहेगा और न ही निराकार को लेकर रहेगा, क्योंकि अब साकार निराकार दोनों से परे शुद्ध साकार, इस बात को जब सखियां जानेंगी इलम के द्वारा तो साकार निराकार दोनों से परे हो जाएंगी और इस प्रकार शुद्ध साकार स्वलीला द्वैत ब्रह्म श्री राजी इनके स्वरूप को जान लेने के बाद में यहाँ के साकार निराकार के विवाद में पड़ेंगी ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ये इलम का मैजिक है, करिश्मा है। इलम के बिना, बिना रूह अल्लाह के, इस बात का स्पष्टीकरण किसी के पास में नहीं। और इसीलिए हे सुंदर साजी, श्री इंद्रावती सखी कहती हैं, सकना किसी अरस की, किसी भी विषय के अरस की कोई शंका नहीं रहेगी। चौथे आसमान में आपका लक्ष्य केंद्रित होगा, ठोस रूप से केंद्रित होगा। जब ठोस हो जाते हैं ना, तो चाहे कितने ही आसमान क्यों ना आ जाएं, कोई हमें रोक नहीं सकता। मगर अगर मन में संशय रह जाए, संदेह हो, तो हर आसमान को देखते हुए जाएंगे क्या, और हर आसमान के अंदर सोचते हुए जाएंगे कि यहाँ रुक जाऊं, ठहर जाऊं। इसीलिए निशंक होना, बेशक होना ये अनिवार्य है। और तारतम वाणी के जरिए, इस रसपान के जरिए हमारी रूह को बेशक बना रहे हैं। तो हे साथ जी, सतगुरु का सानिध्य, इनकी वाणी का सानिध्य बड़े अहोभाग्य से मिला हुआ है। इस सानिध्य के माध्यम से जितना भी हम अपनी रूह को
बेशक बना देंगे, उतना ही लक्ष्य बिल्कुल साफ होगा, नजर बिल्कुल तेज और फोकस्ड होगी। यही कार्य इलम कर रहा है। तो इसी इलम का फायदा लेते हुए, लाभ उठाते हुए, इस जागने के ब्रह्मांड के बीच सखियां इलम से इश्क में जाएंगी तो बड़ी ठोस मजबूत होकर धनी जी के प्रति प्रेम भरा यह इश्क लेकर के धनी से मिलाप कर पाएंगी। तो हे सात जी, ये बेशकी का प्रकरण रूह को बेशक करते हुए हम आप आज की वाणी चर्चा मजल को यहीं पर विराम देते हैं। सकना किसी अरस की, सकना नूर मकान, सकना बेचुन बेचगुन, सकना चार आसमान, सकना चार आसमान। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। प्रणाम सुंदर साथ।